अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सही और खराब अंडे में फर्क। हम जब भी बाजार में देसी अंडा लेने जाएं तो अमूमन डिफरेंट ब्रांड के भी खरीदते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंडा खराब जरूर निकलता है। और अगर आप इसका अंदाजा लगाना चाहते हैं तो वही मार्केट में खड़े खड़े आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा अंडा सही है और कौन सा अंडा खराब है। नाज़रीन, के सिंपल सा बेसिक सा स्टेप है, इसमें आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन चाहिए और मोबाइल फ़ोन की जो टॉर्च है वो इसमें आपने यूज़ करनी है। इससे आपको पता लग जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैंडलिंग। नाज़रीन, ये हमारे 5 एग्स हैं और इसके अंदर कुछ एक ऐसा एग है जो टोटली ख़राब है और एक है जो अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है, जिसके अंदर एक बारीक सा क्रिस्पी सा पार्ट बना होता है और बाकी फ्रेश है। मैं आपको दिखाता हूँ उनकी टाइप्स। पहले हम ये सबसे पहला एग लेंगे, इसको हम प्लेस करेंगे इसके ऊपर। ये देखें, इसके अंदर ना लाइट जो है वो टोटली ये येलोइश शेड है, लाइट इसके अंदर से टोटली क्रॉस हो रही है और ये ऊपर पैटर्न्स बने हुए हैं, पैटर्न्स हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है कि निशानी, क्योंकि मुख्तलिफ चिकन्स के जो एग्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो आपने इसे घबराना नहीं है। ये एग जो है टोटली फाइन है, इसके अंदर आपको कोई बॉडी बनी हुई अंदर नज़र नहीं आ रही। हम चलते हैं अपने सेकेंड एग की तरफ, तो ये वाला एग देखें, ये वाला एग भी जो है देखने से तो ये देखें बिल्कुल नॉर्मल और ठीक एग लग रहा है, लेकिन देखें जब हम इसको हल्की सी इसकी मूवमेंट करेंगे ना अपवर्ड, ये देखें मैं इसको मूव करके दिखाता हूँ, ये जब हमने इसको हल्का सा मूव किया तो आपको यहाँ पे जो है ना इस एरिया में छोटा सा मास नज़र आएगा। यानी इस एग को जब हम फास्ट यूं करके मूव करेंगे ना साइडवेज, इसमें यहाँ पे हल्का सा एक मास है जो मूव होता नज़र आएगा, इतना बारीक सा, ठीक है। उससे पता लग रहा है कि अभी डेवलप होना, यानी डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हुई है, लेकिन ये एक ख़राब नहीं है, ये अभी भी यूज़ेबल है। और बहुत ज़्यादा क्लियर तब होगा कि इसके अंदर रेड कलर का ना छोटा सा एक स्पॉट आपको नज़र आने लग जाएगा एग की साइड पर, उससे आपको पता लग जाएगा कि एग ख़राब है। तो ये देखें, अब ये हमारा थर्ड एग है, इसको भी हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये देखें टोटली जो है ये वाला एग जो है ये भी टोटली फाइन है। इसकी मूवमेंट करने से आपको पता लग रहा है इसके अंदर कोई जो चीज़ है वो बनी हुई है सच नहीं है, ठीक हो गया। तो ये एग भी टोटली फाइन है, थर्ड एग हो गया। अब ये रहा हमारा फोर्थ एग, ये देखें, ये वाला एग भी जो है ये टोटली नॉर्मल है। ये देखें, ये ब्रेक है, यानी हल्का सा इस पर चूंच लगी हुई है मुर्गी की, या गिरा होगा कहीं तो, या टच हुआ किसी चीज़ से, लेकिन ये डैमेज नहीं है। हत्ता कि थोड़ा सा ऊपर से क्रैक भी होना तो आपने परेशान नहीं होना, अगर लीक नहीं हो रहा ना तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके अंदर जो है ना वो एज सच वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उससे एग बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और ये देखें, ये अब हमारा है फाइनल एग, ये देखें जब इसको हमने उसके ऊपर रखा तो आपने जैसे पहले एग्स देखें, इसके अंदर जो है बिल्कुल लाइट एक तरह से क्रॉस नहीं हो रही, और ये देखें ये लाइट भी क्रॉस नहीं हो रही और ये इसके अंदर से मास नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर बना हुआ, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी नज़र आएंगी। अब ये देखें, इसको जब हम इधर करीब से देखते हैं इस एग को, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इस एग में, ये देखें ये वाला पॉइंट, इसे आप देख रहे हैं इसके अंदर ये चिक डेवलपमेंट हो रही है और ये वेसल्स ब्लड की नज़र आ रही हैं और बाकी जो सारा एग है उसके अंदर से लाइट ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो इसमें अब ये इसका हल है कि ये एग टोटली ख़राब है। अब इसी तरह ये होगा कि कभी ना कभी एग के अंदर ना छोटा सा एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट में ब्लड वेसल, यानी एक छोटा सा पॉइंट होगा उसमें ब्लड वेसल होगी, वो भी आपको पता लग जाएगा कि ये एग जो है ये ख़राब है। और उसके अंदर हार्ट रेट जो है, हार्ट भी चल रहा होगा, बाकायदा आपको धड़कन भी नज़र आएगी, जो न्यूली डेवलप चिक है उसकी धड़कन भी आपको नज़र आती है, ठीक हो गया। नाज़रीन, अब आपने देख लिया इसमें कुछ एक एग ख़राब था, एक अभी स्टार्ट हुआ था ख़राब होने की तरफ जा रहा था, यानी 2-3 डेज़ में उसने ख़राब हो जाना था, और जो लास्ट एग है वो टोटली, बाकी जो 3 एग हैं वो ठीक थे, ठीक हो गया। इस तरह आपको पता लगा सकते हैं कि एग कौन सा ठीक है और कौन सा ख़राब है। इसके अलावा अगर आप ये देखें एग्स के ऊपर भी ये लाइट को मूव करें तो आपको वाजे जो है डिफरेंस नज़र आ रही है, ये देखें लाइट जो इसके अंदर से रिफ्लेक्ट करी, इसके अंदर से नहीं करी। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह।